नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। चंपई सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। चंपई सरकार ने विश्वास मत में बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल सदन में आहूत विश्वास प्रस्ताव के बाद सत्तापक्ष के 47 विधायकों ने विश्वास मत के लिए अपने वोट दिए, वहीं विपक्ष में 29 विधायकों ने अपना वोट डाला है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 6 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिनों का विशेष सत्र आहूत किया गया है। राज्यपाल की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान सीएम सोरेन ने कहा है कि मैं विश्वास प्रस्ताव लाया हूं। वही 2019 में विश्वास मत हेमंत सोरेन को मिला था, इसलिए आज सभी दिल पर हाथ रखकर वोट करें। ईडी आईटी सीबीआई का आज दुरुपयोग हो रहा है, यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो हेमंत बाबू के लिए मेरा साथ दे। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार से शुरू होगी। परीक्षा 26 फरवरी तक होगी। इस बार परीक्षा में 7,66,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें मैट्रिक के 4,21,678 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट के 3,44,822 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बता दें, इंटरमीडिएट साइंस में 94,433, कॉमर्स में 25,907 और आर्ट्स में 2,24,502 परीक्षार्थी हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक परीक्षा के लिए 1238 और इंटर के लिए 740 केंद्र बनाए गए हैं। मंगलवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वोकेशनल विषयों की परीक्षा होगी। वहीं 26 फरवरी को आखिरी दिन मैट्रिक में अंग्रेजी विषय की और इंटरमीडिएट में राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए केंद्रों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। पूरी परीक्षा की निगरानी की जाएगी। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग जाया। चितौरपुर प्रखंड के मरांग मर्चा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में सोमवार को JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो पहुंचे। यहां झारखंड आंदोलनकारी जागेश्वर महतो नागवंशी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति हम झारखंडियों की जायज मांग है, इसे हम हर हाल में प्राप्त करेंगे। वहीं क्रांतिकारी रिजवाइन अंसारी ने कहा है कि झारखंड की राजनीति में युवाओं की भागीदारी समय और परिस्थितियों की मांग है। हम युवाओं के दम पर झारखंडी की दिशा व दशा तय करेंगे। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। कल्पना सोरेन से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मिलने पहुंच गए। झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन की सरकार को लेकर हुए फ्लोर टेस्ट के बाद राहुल गांधी का कल्पना सोरेन से मिलने पहुंचना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी की कल्पना सोरेन के साथ इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें, राहुल गांधी की कल्पना सोरेन से यह मुलाकात पूर्व निर्धारित नहीं थी। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए पोस्ट लिखा, HEC कॉम्प्लेक्स के ऐतिहासिक शहीद मैदान में जनसभा से कुछ मिनट पहले और झामो कांग्रेस राजद CPI गठबंधन द्वारा विधानसभा के पटल पर भाजपा और उसके सहयोगियों को करारी शिक्स्त देने के लिए कुछ मिनट बाद राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन के आवास पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही कल्पना सोरेन को लेकर झारखंड की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले से कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने की खबर भी सामने आई थी। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई। ईडी की ओर से झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। पूर्व CM सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया, जिसके बाद जस्टिस S चंद्रशेखर की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ED को 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। ED की ओर से अपना पक्ष रख रहे वकील AK दास ने एक हफ्ते का समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने 12 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख रखी है। झारखंड में दूसरी बार टला सहायक आचार्य परीक्षा। राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब 10 फरवरी से नहीं होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने दूसरी बार यह परीक्षा स्थगित की है। सबसे पहले यह परीक्षा 12 जनवरी से शुरू होने वाली थी। आयोग के अनुसार परीक्षा के नए कार्यक्रम की घोषणा यथाशीघ्र की जाएगी।
दरअसल स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने हाल ही में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इसमें इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्हता में संशोधन किया गया। आयोग इसकी समीक्षा कर रहा है। आयोग के अनुसार नियमावली में संशोधन से अभ्यर्थी की पात्रता पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की जा रही है। हर विधायक के पीछे पांच पांच पुलिस वाले, बाबूलाल ने ली चुटकी। झारखंड में फ्लोर टेस्ट पहले विधायकों की सिक्योरिटी पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा, विधायक तो पहले से गिने हुए थे, संख्या बल में कोई परिवर्तन होता तब आश्चर्य होता। चूंकि अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था, कौन विधायक कहां भाग जाएगा, डर और भयभीत होकर उन्हें बाहर भेजा। बीजेपी नेता ने कहा, सुना गया कि प्रत्येक विधायक के पीछे पांच पांच पुलिस वाले लगाए गए थे, उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, ऐसे में सरकार कैसे काम करेगी, बीजेपी उनके विधायकों से कोई संपर्क नहीं कर रही थी। मरांडी ने कहा, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बसंत सोरेन, दुर्गा सोरेन को हम लोग जानते हैं, लेकिन कुमार लगा दिया गया है, बेनामी प्रॉपर्टी हासिल की है, नाम बदलकर प्रॉपर्टी अर्जित की गई है। उन्होंने कहा, जब बुरी तरह से फंस जाएंगे तो झारखंड तो छोड़ना ही पड़ेगा, समय आने दीजिए, सब सामने आ जाएगा। पेपर लीक मामले में 4000 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज। JSSC CGL पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे करीब 4000 छात्रों पर प्राथमिकी हुई है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो समेत 15 को नामजद किया गया है। वहीं कुल 4000 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि 28 जनवरी को हुई परीक्षा और 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने की मांग पर छात्र JSSC कार्यालय के सामने आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद छात्र उग्र हो गए और काफी हो हंगामा हुआ था। JSSC अध्यक्ष का घेराव किए जाने के कारण इतनी बड़ी संख्या में छात्रों पर प्राथमिकी कराई गई है। 31 जनवरी को JSSC कार्यालय के समक्ष घेराव कर रहे झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्रनाथ महतो, योगेश चंद्र भारती, मनोज यादव, संजय मेहता, बेबी महतो, महेंद्र प्रसाद, प्रेम नायक, लक्की रामू, चंदन रविंद्र महतो, विशाल पाल, सायना परवीन, देव महतो, विनय मेहता, महेंद्र प्रसाद महतो समेत करीब 4000 छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जब तक हेमंत सोरेन नहीं आते, कल्पना सोरेन ने संभाला पति का एक काम। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भले ही CM की कुर्सी पर नहीं बैठी, लेकिन अब उन्होंने पति का एक काम संभाल लिया है। वह हेमंत सोरेन के बाहर आने तक सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट के जरिए मोर्चा संभालेगी। खुद कल्पना ने पति के अकाउंट से एक पोस्ट करके यह जानकारी दी है। कल्पना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जब तक झारखंड योद्धा हेमंत सोरेन जी केंद्र सरकार और BJP के षड्यंत्र को परास्त कर हम सबके बीच नहीं आ जाते, तब तक उनका यह अकाउंट मेरे यानी उनके जीवन साथी कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा चलाया जाएगा। हमारे वीर पुरुखों ने अन्याय और दमन के खिलाफ हुल और उलगुलान किया था, अब फिर वह वक्त आ गया है। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद पूर्व की भांति बना रहे। लड़े हैं लड़ेंगे, जीते हैं जीतेंगे, जय जोहार, जय झारखंड। उन्होंने ट्वीट के साथ हैशटैग झारखंड झुकेगा नहीं लिखा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को बताया दिखावटी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी के आदिवासी और पिछड़ों पर दिए बयान को दिखावटी बताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने आदिवासी दलित पिछड़ों को केवल वोट बैंक समझा, उनके उत्थान की चिंता कभी नहीं की। अगर कांग्रेस पार्टी को आदिवासी विकास की चिंता होती तो अलग झारखंड राज्य का सपना पूरा करने के लिए भाजपा के सरकार की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। बाबूलाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो आंदोलन का मोल भाव करती रही है, दलितों का सम्मान कांग्रेस पार्टी कितना करती है यह तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला और किसने दिया इसी से पता चलता है। रणजी ट्रॉफी में झारखंड की धमाकेदार जीत। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच की अंतिम पारी में पंकज ने जब रौनक बिखेरी तो मेहमान मणिपुर भी भौचक रह गई। किन्नन स्टेडियम में चल रहे रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप 1-1 मुकाबले में मेजबान झारखंड ने मणिपुर को एक पारी व 102 रन से पराजित कर पूरे 7 अंक अपनी झोली में डाल लिए हैं। झारखंड के अनुकूल राय को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके पहले मणिपुर की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई थी। उत्कर्ष सिंह 116, सौरभ तिवारी 114 व अनुकूल राय 119 के शतकीय पारी की बदौलत झारखंड ने 504 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर पारी की घोषणा कर दी थी।
ईडी पहुंची हाई कोर्ट, अपने अधिकारियों के खिलाफ हेमंत सोरेन की एफआईआर को दी चुनौती। ईडी ने हेमंत सोरेन की शिकायत पर रांची के SC ST पुलिस स्टेशन में अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक वकील ने कहा, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को FIR दर्ज कराई थी। यह वही दिन था जब ईडी सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में अवैध भूमि सौदे के मामले में पूछताछ कर रही थी। ईडी के एक सूत्र ने कहा है कि याचिका 3 फरवरी को दायर की गई। याचिका में FIR को क्षेत्राधिकार, इरादा और कानून आवेदन सहित 3 आधारों पर चुनौती दी गई। ईडी की कार्रवाई से परिचित हाईकोर्ट के एक वकील ने कहा, सोरेन की याचिका दिल्ली में ईडी की कार्रवाई पर आधारित है। इस प्रकार केंद्रीय जाँच एजेंसी ने अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ा। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में चंपई सरकार के बहुमत परीक्षण में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए काली रात बताया तो 22 जनवरी को राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए भाजपा पर तंज कसा। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और बिहार में सरकार बदलने को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, 22 जनवरी को राम राज आ गया, पहला कदम बिहार में पड़ा, बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति क्या हुआ आपने देखा, दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास हुआ। कांग्रेस के एजेंडे में कभी नहीं रहा आदिवासी बाबूलाल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मांडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राजकुमार को आज आदिवासी दलित पिछड़ों की याद आ रही है, लेकिन अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। राहुल गांधी जितनी यात्रा कर सकते हैं कर ले, लेकिन जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने आदिवासी दलित पिछड़ों को केवल वोट बैंक समझा, इनके उत्थान की चिंता कभी नहीं की। अगर कांग्रेस पार्टी को आदिवासी विकास की चिंता होती तो अलग झारखंड राज्य का सपना पूरा करने के लिए भाजपा की सरकार की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।